हे गाइस, माय नेम इज अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। और सेहत से जुड़ा हुआ आज एक खास दिन भी है जो हमारा ही दिया हुआ है, वर्ल्ड योगा डे। पर्सनली इसे मैं फॉलो करना बहुत पसंद करती हूँ और आप सभी को भी इसको फॉलो करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल योगा डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमें बताना है योगा डे के बारे में कंसिडर करना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये देखना है हमें। हमारे पहले स्टेटमेंट है, इसका आइडिया दिया गया था इंटरनेशनल योगा डे का किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशन काउंसिल के अंदर। और इस साल की थीम रखी गई है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो हमारे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। इंटरनेशनल योगा डे है ये, इसकी थीम रखी गई है, अभी हमने डिस्कस की है। और इसको ये एक इसकी रूट कहाँ है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये इंडिया के द्वारा दिया गया है। इंडिया में पास से ही सभी लोग, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादातर लोग योगा को फॉलो करते हैं। और अब तो ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। और हेल्थ की पर्स्पेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा होता है, ये तो हमें पता ही है। और इसका आइडिया दिया गया था इन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 2014 के अंदर 27 सितंबर। इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत, 2014 इसको याद रख सकते हैं। फिर है इसको, ये हमारा जो रेजोल्यूशन दिया गया था इसको 177 नेशंस ने सपोर्ट किया था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा सपोर्ट है किसी भी रेजोल्यूशन को। और कनाडा और यूएस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, प्रमोट करने के लिए पार्टिसिपेशन जो वुमेन का है उनका स्टेम के अंदर, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर, उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है गति। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है हमें ये बता रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। पहले हम जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या है हमारी जो गति है इसकी। जेंडर एडवांसमेंट एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है ताकि चार्टर बनाया जा सके, कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर, जिसके अंदर स्टेम, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स हैं, उसके अंदर जेंडर इक्वालिटी लाई जा सके। इस फिर इसके बाद एक और भी लॉन्च की गई थी एक स्कीम, उसका नाम है किरण। और इसके अंदर भी प्रोवाइड की गई है जो वुमेंस हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, उनका करियर बन सके। और उनका एम इसका एम रखा गया था कि पैरिटी लाई जा सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, इंक्लूड किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन टैलेंट को, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर उनका डोमेन हो सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को हमें किसके रिगार्डिंग? जो केबल इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग? जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स हैं 2021 के अंदर लाए गए हैं उनके रिगार्डिंग। फिर हमें बताना है कि जो ये एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है जो BCCC है हमारा, उसको इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। फिर इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है? सेल्फ रेगुलेशन प्रोवाइड किया गया है ताकि सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज हैं वो अपने ब्रॉडकास्ट को खुद से रेगुलेट कर पाएँ और उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये खुद डिसाइड कर पाएँ। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हम ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। इसके अंदर तीन तरह का रिडर्सल दिया गया है कि तीन तरह से फॉलो कर सकते हैं, उनके बारे में हम आगे जानते हैं, देख लेते हैं। ये प्रोवाइड करवाता है थ्री लेवल ग्रीवेंस, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो लगाया गया है। पहले वो सेल्फ रेगुलेशन, ब्रॉडकास्टर हैं वो खुद सेल्फ रेगुलेट कर लेंगे, या फिर वो किसी को अपॉइंट करेंगे बॉडी को कि वो इसको रेगुलेट कर पाए। फिर उसके बाद में जो थर्ड है उसको क्या, उसके अंदर क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बैठाई जाएगी, वो इसके अंदर चेकिंग करेगी कि कोई भी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि न्यू ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसे NBSA बुलाते हैं। फिर है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, जिसे BCCC बुलाते हैं। इन दोनों को लीगल रिकॉग्निशन दी गई है। प्रेजेंट में क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके अंदर इंटर मिनिस्टर कमिटीज़ हैं वो एड्रेस करती हैं ग्रीवेंसेस को जो सिटीजन्स हैं उनकी, ताकि उनके अगर कोई भी वॉयलेशन होता है तो उन किसी भी प्रोग्राम या एडवर्टीजमेंट के द्वारा तो वो कंप्लेन कर सकते हैं इसको।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, जिसे ट्रिप सी बुलाया गया, ये इनिशिएटिव है आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी खड़गपुर का या फिर आईआईटी रुड़की का। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये आईआईटी दिल्ली का इनिशिएटिव है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आईआईटी दिल्ली ने रिसेंटली अनाउंस किया है एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, जिसे ट्रिप सी बुलाया गया इन शॉर्ट। इसका फोकस है ताकि प्रोड्यूस है उनको स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज के थ्रू एड्रेस किया जा सके रोड ट्रांसपोर्टेशन में, और जो ट्रैफिक सेफ्टी है उसको भी इंकरेज किया जा सके, इंडिया के अंदर। जो ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम है ये 2002 से ही इस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है और इसकी जो कि फाउंड किया गया था किसके द्वारा, प्रोफेसर दिनेश मोहन के द्वारा, जो कि एक रिनॉर्ड एक्सपर्ट हैं ट्रैफिक सेफ्टी के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेशन एटलस इंडिया क्या, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, नासा बुलाते हैं शॉर्ट, या फिर यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये इसरो ने किया है लॉन्च, ये पब्लिश किया गया है हमारे जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो के द्वारा। फिर ये एटलस है, ये प्रोवाइड करवाएगा स्टेट वाइज एरिया डिग्रेडेड हुआ है जो लैंड का 2018 से 19 के बीच में उसके बारे में, और ये रिलीज किया गया है ओकेजन पे, कौन से दिन में रिलीज किया गया है, वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जाम्बिया, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके बॉर्डर हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करते हैं हमें ये बताना है, मोजाम्बिकू, नाम्बिया, अंगोला, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं, जाम्बिया है, उसके रिसेंटली क्या हुआ है कि जाम्बिया की जो फॉर्मर फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं किनत कुंडा, उनको उनकी डेथ हो गई है 1997 की एज के अंदर, जिन्हें पॉपुलरली के कुंडा भी बुलाया जाता था, और उनका निकनेम दिया जाता था अफ्रीकन गांधी के रूप में, अफ्रीका का गांधी बुलाया जाता था उनको। उनकी किस वजह से, क्योंकि वो उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया था इंडिपेंडेंस के लिए, जो एक्टिविज्म देखने को मिला था उनकी तरफ से 1960 के अंदर। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और विक्टोरिया फॉल्स है वो भी हमें जाम्बीजी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है सदर्न अफ्रीका के अंदर, और ये लोकेटेड है कौन कौन से बॉर्डर के ऊपर, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है ये, और इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल बुलाया जाता है उसकी जो विड्थ है उसकी वजह से, क्योंकि वो 1708 मीटर है, इतनी ज़्यादा किसी की नहीं है। इसके अलावा हम देख लेते हैं जाम्बिया के लोकेशन को, ये जाम्बिया है, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिकू, जिम्बाब्वे, निम्बिया, नाम्बिया, अंगोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक मेवरू देखने को मिलती है, लेक तंजानी को तंगाइका, और लेक न्यासा, और साथ ही साथ लेक कैरिबिया भी देखने को मिलती हैं, लेक कैरिबा भी देखने को मिलती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में, जो एनिमल सीरम देखने को मिलता है वैक्सीन के अंदर उसके रिगार्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनिमल हॉर्स का सीरम है, उसे यूज़ किया जाता है एंटीबॉडी सप्लीमेंट के लिए डायरिया वैक्सीन के अंदर, और ये प्रोसेस है वो 100 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए। और ब्लड है उसके अंदर, ब्लड को जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके ब्लड को निकाला जाता है, और फिर उसके अंदर से एंटीबॉडीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है वैक्सीन के अंदर यूज़ करने के लिए। और हॉर्स है उनको इंजेक्ट किया जाता है किसके साथ में, जो स्मॉल डोजेज दी जाती है उनको बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से उनको डिप्थीरिया देखने को मिलता है, और फिर वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं उसके लिए, और उसके बाद में ये प्रोसेस चलती है एंटीबॉडी को अलग करने की ब्लड से, और फिर वैक्सीन के अंदर डाल दिया जाता है उनको। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना हमें, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा
डी, क्योंकि ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो वैक्सीन है उसके रिलेटेड जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्लियरेंस देना पड़ा था, तो उसी की वजह से ये न्यूज़ में है, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेशन इशू किया है कोवैक्सीन के लिए, जो हैदराबाद बेस्ड बायोटेक भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है, कि उसके अंदर कोई भी एनिमल सीरम नहीं इंक्लूड किया गया है। कोई भी न्यू बोर्न काल्फ का सीरम इंक्लूड नहीं किया गया है, ये बताया गया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इलेक्शन पिटीशन के बारे में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक इलेक्शन पिटीशन है, वो अकेला एक लीगल रेमेडी होती है, अकेला एक लीगल उपाय होता है जो कि यो वोटर और कैंडिडेट के पास में होता है, कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ में माल न्यूट्रिशन हुई है, माल प्रैक्टिस हुई है उनके इलेक्शन के अंदर, तो वो ये पिटीशन डाल सकते हैं। और ऐसी पिटीशन डालने का टाइमिंग कितनी रखी गई है, 75 डेज़ के अंदर, जो अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद में 75 डेज़ होते हैं कि वो कोई भी पिटीशन डाल सकें इसके अगेंस्ट। और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट ही करेक्ट है, यहाँ पे 45 डेज़ आएगा। चलिए देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिसेंटली उन्होंने क्या है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उन्होंने पिटीशन डाली है कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर, और चैलेंज किया है जो असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि वो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही थी और वहाँ से उनकी हार देखने को मिली है, इस वजह से उन्होंने पिटीशन डाली है कि उनके साथ माल प्रैक्टिस हुई है और ये रिजल्ट है वो गलत है क्योंकि वो हार गई उसकी वजह से। वो इलेक्शन कमीशन है, उनका रोल ख़त्म हो जाता है अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो साइन कर देते हैं रिजल्ट शीट के ऊपर, जो कि फॉर्म 20 के अंदर डिसाइड किया गया है। इसके बाद में इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन पिटीशन है वो एक अकेला साधन बचता है वोटर के पास में और कैंडिडेट के पास में, कि अगर उसे लगता है कि उसके साथ में गलत हुआ है कुछ, इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर कुछ गलत हुआ है, तो वो ये इलेक्शन पिटीशन है वो कहाँ पे डाल सकते हैं, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिस कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हाई कोर्ट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, जिस भी हाई कोर्ट के अंदर वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, तो वो वहाँ पे पिटीशन डाल सकता है। और ये टाइमिंग दी है 45 डेज़ की, अगर एक बार इलेक्शन खत्म होकर उनका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में। फिर अगला क्वेश्चन है, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होती हैं उसके अंदर कोल कम्बस्टम किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो उनमें से उसमें कौन सी गैस है वो रिलीज होती हैं, तो हमें ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है ऑक्साइड टू ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं। अब इसके बारे में कुछ डाटा जान लेते हैं, एस्टिमेट लगाया जाता है कि एवरेज जो कैलोरीफिक वैल्यू है कोल की यूज़ की थर्मल पावर प्लांट के अंदर, वो यूटिलाइज की जाती है 90% तक, जिसके अंदर फ्यूल मिक्स होता है टोटल फ्यूल मिक्स का, और इसके अंदर जो CO2 एमिशन है वो हमें देखने को मिलता है कि उसका एस्टिमेट लगाया कि 523 मिलियन टन्स हैं वो हम इंडिया के अंदर जो पावर प्लांट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अंदर बताया गया है कि अगर हम एक सिंगल पावर प्लांट अगर वो 500 मेगावाट भी पावर स्टेशन है उसका, अगर इतना भी वो प्रोड्यूस करती हैं तो उसके वजह से क्या देखने को मिलता है, लगभग 10,000 टन CO2 है वो हर दिन रिलीज होगी उससे। एक 500 मेगावाट का पावर स्टेशन है वो हर रोज़ CO2 का एमिशन करता है कितना, 10,000 टन्स का, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इनकी वजह से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है सिकल सेल एनीमिया, इसके रिगार्डिंग में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन की नॉर्मली जैसा होता है उससे कम देखने को मिलता है। और सिकल सेल डिजीज़ है ये ज़्यादातर पाई जाती है इनहेरिटेंट ब्लड डिसऑर्डर के रूप में, और जो वाइड स्प्रेडली मिलती है हमें ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर, जो ग्रुप्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर उनके अंदर,
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जबकि ये जो है इसकी वजह से ये एक आधे चांद की सेप ले लेता है। इसको सिकल सेल एनीमिया बुलाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो आगे देखते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसने इनोग्रेट किया है जो सेकंड नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव है, जो कि सिकल सेल डिजीज़ के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर जो वर्ल्ड सिकल डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है 19 जून 2021 को हर साल। इसके अंदर कैरेक्टराइज किया गया है कि जो मॉडिफिकेशन है हमारी, जो शेप होती है हमारी, जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी, वो स्मूथ डाउन नट शेप ले लेती है, मतलब कि आधे चांद की तरह हो जाती है, जो हमने पहले बताया है। इसके अंदर जो प्लास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, ब्लड है हमारी स्मॉल ब्लड वेसल हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, और फिर ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो रेड ब्लड सेल हैं उनको सर्वाइवल कम हो जाता है, मतलब कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और उसकी वजह से सीक्वेंट एनीमिया देखने को मिलता है। सबसीक्वेंट इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया देखने को मिलता है, जिसे हम ऑफनली क्या बुलाते हैं, सिकल सेल एनीमिया बुलाते हैं। ये लीड करता है क्रोनिक एक्यूट पेन सिंड्रोम है ये एक, फिर इससे क्या हो जाता है, इसे क्रोनिक एक्यूट पेन सिंड्रोम बन जाता है, और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो कि हमारे जो न्यूरोसिस जो टिश्यू हैं डेथ हो जाते हैं उनकी, जो हमारे न्यूक्रोसिस है हमारे जो टिश्यू हैं उनकी डेथ हो जाती है। और एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड काउंट है हीमोग्लोबिन का वो कम देखने को मिलता है, नॉर्मली जैसा देखता है होता है उससे भी कम हो जाता है ये। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके अंदर फटीग हो जाती है, शॉर्टनेस भी देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बाल भी झड़ने लग जाते हैं, और ये ज़्यादातर पाई जाती है अफ्रीका के अंदर, ये कॉमनली मिली जाती है, और हमारे इंडिया के अंदर ये ट्राइबल ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और मेनली कहाँ पर देखने को मिलती है, झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, या फिर ईस्टर्न गुजरात के अंदर पाई जाती है, और मेनली जो कि पॉकेट्स कुछ जगह पे नीलगिरी हिल्स और नॉर्थ तमिलनाडु, केरला के अंदर भी देखने को मिलती है। फिर हमारा ये क्वेश्चन कल का है जिसका आपका आंसर देना था, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 ये रिलीज़ किया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, या फिर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, इसका आंसर ये है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD इसने रिलीज़ किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 का। ये कब से पब्लिश होती है, ये 1989 से शुरू हुई थी, और इसके अंदर मेजर लिए गए हैं, ये मेजर करती है जो प्रोस्पेरिटी और कॉम्पिटिटिवनेस प्रोस्पेरिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ताकि एग्जामिन किया जा सके फोर फैक्टर्स को, वो क्या क्या हैं, एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखी जाती है, बिजनेस की एफिशिएंसी देखी जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। और ये स्विट्जरलैंड है वो सबसे टॉप पोजिशन पर आया है, उसके बाद में स्वीडन आया है, और इंडिया है उसकी रैंक रही है 43rd। ये रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है। इसके बीच में कन्फ्यूज मत होना कि कहीं कन्फ्यूज हो जाए कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो 2021 का, वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जबकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो हर साल पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फिर ये क्वेश्चन वो है जिसका आपका आंसर देना है, आज का क्वेश्चन ये हमारा स्पेशल है। इस रिपोर्ट का टाइटल दिया गया है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये स्पेशल रिपोर्ट है ड्रॉट के ऊपर 2021 के अंदर, ये पब्लिश की जाती है UNDRR के द्वारा, UNFCCC के द्वारा, UNFCCC के द्वारा, WHO के द्वारा, या फिर UNCTAD के द्वारा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, अपने आंसर और अपना स्कोर दोनों ही कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए।
सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव. जय हिंद, जय भारत.